जिहड़ा इत्थे आपां हुण गल जिहड़ी हैगी आपणी उह हैगी फंक्शन दी। जिहड़ा आपणा इह लैक्चर है टोटली सारा टोटली सी प्लस प्लस बेस्ड है। इहदे विच जिहड़ा ऊप्स जिहड़े आपणे कंसैप्ट हुंदे ने पॉलीमोर्फ इनकैप्सुलेशन है ना, सारा जिहड़ा ऊप्स आपां इह पढ़ांगे। सब तो पहला आपां इहदे विच फंक्शन नूं समझांगे। इह सी लैंग्वेज विच भी हुंदा हैगा ना, क्योंकि सी प्लस प्लस की है एज इट इज़ द इंप्रूवड वर्जन ऑफ द सी लैंग्वेज है ना। तो हैविंग की इहदे विच हैविंग ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके तो आप सब तो पहला की है फंक्शन की है फंक्शन समझते हैं। फंक्शन के की फंक्शन की एक ब्लॉक ऑफ द कोड है। कोड मतलब तुम ये जिम्मे एक आउटपुट लगा दी, तुम इस आउटपुट में एक बार देखो स्क्रीन पर। मैं चाहना भी 1000 टाइम दिखावे तो की चाहिए मैनू, मतलब 1000 टाइम आपको बार बार लिखना पैना इस लाइन में। इस लाइन में आप कॉपी पेस्ट लिखांगे तो लिखते कि अपना टाइम जोड़ा की है जी वो कंज्यूम हो जाएगा है ना। इस टाइम कंज्यूमिंग की करना अपने अवॉइड करना है। इस रेडिकेट करने लिए अपन की चाहिए है अपन फंक्शनिंग की लोड है ना। तो कहता सपोज वी नीड टू क्रिएट अ फंक्शन टू क्रिएट अ सर्कल कलर। देखो गल फंक्शन की हो रही है, एक फंक्शन आप बनाएंगे मैथड एक सर्कल लिए दूजा कि कलर लिए बनावे है ना। कहता भी जोड़े फंक्शन ने यह मतलब कि इस प्रॉब्लम सोल्व करे एक फंक्शन कि सर्कल लिए दूजा कद लिए कलर लिए। कहता डिवाइडिंग कॉम्प्लैक्स प्रॉब्लम इन टू द समोलर चंक्स, किसी बड़ी चीज़ को आप छोटे छोटे टुकड़े के तोड़ते हाँ तो यद मतलब की होंगे है उसू सौखा करना तो उसू बार बार रीयूज करना। ठीक है अगे की है कहता भी टू टाइप्स के फंक्शन ने किड़े होंगे ने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मतलब कि तुम देखते हो जिमें कि लाइक CLRSCR है ना, एक क्लीयर स्क्रीन करने वास्ते होंगे गैट CH होंगे है। ये जो फंक्शन इनबिल्ट ने की ने जी ये फंक्शन की ने इनबिल्ट ने ये परी प्लांट ने है ना। तो जो ये खुद के जो फंक्शन ने वो होंगे ने तुहाडे जी किहड़े होंगे ने लाइब्रेरी फंक्शन। इफ यू कम टू द यूजर डिफाइन ये होंगे जो ह्यूमन के द्वारा अपने द्वारा जो बनाए जाते हैं। ठीक है ये आप यही फोकस करेंगे ज़्यादातर कि मोस्ट ऑफ द आप यूजर डिफाइन फंक्शन से गल करेंगे। ठीक है चलो कह रहा कुछ समझते हैं कि जोड़ा फंक्शन है आप उसू यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है लेकिन फंक्शन इसनों चलाने तो पहला यूज करने तो पहला बस देखते हैं यू मतलब कि चार भागों के कर गया। इतने सब तो पहला कि जो कि नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न मतलब कि है बॉयड होंगे तो रिटर्न टाइप मतलब की होंगे है। रिटर्न टाइप का मतलब यह होंगे भी जो आप लाइए इंट है ना, नो रिटर्न मतलब यह कोई चीज़ रिटर्न नहीं करेगा तो खाली है बॉयड है। टाइप ऑफ द आर्गूमेंट ठीक है यानी कि नो रिटर्न टाइप एक ही बॉयड हो गया तो नो आर्गू इतने की है इंटीजर एक्स वाई जेड यानी कि ए वाले इतने दिते नहीं हुए है ना। तो यह मतलब की है ये इतने कोई आर्गूमेंट है नहीं। ठीक है तो एक चीज़ लिखा ही भूल गया अपना कि नो रिटर्न टाइप तो नो आर्गूमेंट तो नेम भी तो होना चाहिए है नेम ऑफ द मैथड लाइक की बॉयड शो शो की है तुहाडा नेम ऑफ द की है मैथड है जी। नो आर्गूमेंट मतलब कि इतने कोई भी आर्गूमेंट नहीं है। ओके रिटर्न टाइप नो आर्गूमेंट, रिटर्न टाइप मतलब कि जोड़ा बॉयड सेगा ये नो रिटर्न सेगा इतने की हो गया ये इंट करता फ्लोट करता कैर करता। शो शो की है मैथड नेम है एक खाली खाली मतलब इतने कोई भी आर्गूमेंट नहीं है। आर्गूमेंट मतलब ए इंट एक्स कैर CH नहीं है। ओके नो रिटर्न मतलब कि बॉयड आ गया फिर टाइप विद आर्गू मतलब तुम कोई आर्गूमेंट पास कर रहे हो। रिटर्न टाइप विद आर्गूमेंट रिटर्न टाइप मीनस की फ्लोट शो है ना, सो की मैथड नेम हो गया तो विद आर्गूमेंट आर्गूमेंट मतलब कि तुहाडा फलोट एक्स एक आर्गूमेंट दूजा वाई है पास कर रहे है ना। कम टू द मेन टैप कहते भी जो मैं कोड लिखे है हूँ आप मतलब मेन सीधा टॉपिक तो आने एक लाइन हज़ार बार आप मतलब कि चाहते हाँ तो आप करा फंक्शन क्रिएट करा आ जाओ C2 आ जाओ। देखो कहता सब तो पहला एक बार आप पढ़ लें आप जो यूज डिफाइन फंक्शन है यू अलो कर दिया कि तेरे फंक्शन की करने वास्ते डिफाइन करने वास्ते। ठीक है यूज डिफाइन जो फंक्शन एक ग्रुप्स होंगे कि कोड का की परफॉर्म करता है कुछ स्पैसीफिक टास्क करता है। ठीक है ये यानी कि ग्रुप ऑफ द जो कोड है उसमें की करता है तेरे सामने इनू पेश करता है ना। तो इनवोक कराया जाता है कि उस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम दे इस एग्जीक्यूट कर देता भाई यानी कि बॉडी ऑफ द फंक्शन। बॉडी मतलब जो कुछ तुम लिखोगे ये वाला बॉडी ऑफ द फंक्शन है पहले कहने यानी कि तुम इतने कुछ भी लिखा सी आउट है ना हैलो तुम जो भी चाहते हो जस्ट जस्ट आई वन आउटपुट किन्ने टाइम तक भाई मतलब कि मोर दैन है ना तेरे दस दो मोर दैन कि चार तो बद मैं मतलब आउटपुट चाहिए है ना। तो यह जस्ट डिकलेरेशन की एग्जाम्पल सी हूँ मैं C3 आना मैं सब
तो पहले हम कॉलिंग ए फंक्शन, इट्स मीन कि देखो गल समझ वाली है कि तुम मान लो कोई मैथड बना लिया नो इतने की रिटन टाइप तो फंक्शन नेम, यानी कि रिटन टाइप मतलब की है नो रिटन टाइप, ठीक है ये वर्ड तो अगर नो रिटन टाइप है ना, इतने रिटन टाइप लिख ली मैं मैथड की कि अभी कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा, तो नेम ऑफ द मैथड की है फंक्शन नेम कि यह शो है, ठीक है। पैरामीटर वन से पैरामीटर यानी कि एक्स वाई जो इंटीजर लेने इतने मैं आर्गूमेंट नहीं ले रहा, ठीक है। तो जोड़ा मैथड है मैथड की आउटपुट आ रही है हैलो वर्ड, यानी कि जोड़ा वर्ड शो है कोई तुम लाइन आउटपुट दे रहा है, वेरी सिंपल एक बार चलेगी है ना, लेकिन इन्हें चलने वास्ते इन कॉलिंग की जरूरत पैनी ही पैनी है। सी थ्री के लिखा हुआ है कॉलिंग ए फंक्शन, प्रीवियस प्रोग्राम तुम देखे डिक्लेयर किया फंक्शन नेम्ड शो नाम तो टू यूज द शो आप करते हैं कॉल कराएं की करा मैं वी नीड टू कॉल है ना, बाकी करा कॉल करा कॉल इट, ठीक है। तो यह जो इंट मेन है ये मेन मैथड हो गया अपना मेन प्रोग्राम है ना, यह जी एंट्री होगी तुम इतने की करो शो, शो का मतलब की है वो थोड़ा जो प्रोग्राम है फिर चलना है, जो तुम की करोगे इतने शो में लिखोगे कि मेन प्रोग्राम आखो सी बोर्ड के लिखे हुए की लिखा हुआ है, एक बार इन हटा देना मैं लूप न कि देखो ये अपनी आईओ स्ट्रीम ये अपनी हैडर फाइल आ गई है ना, ये आप जो वर्ड शो लिखते हैं यू कहने आप डिकलेरेशन है ना, इतने डिकलेयर करता मैथड किसी वर्ड की है कोई रिटन टाइप नहीं है मेरे को, शो की एक मैथड नेम है एक फंक्शन नेम है जो तू सी आउट मतलब दे रहा है भी अज मेरा सीखने का पहला दिन है, ठीक है बजाय ये कि मैं पढ़ावा है ना। ओके कहता जी ये कदों चलना है, ये अजय मैमरी देगा जरूर है लेकिन कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा कदों तक नहीं होएगा जदों तक इस कॉलिंग नहीं करा, देखो इतने हूँ इतने की है वर्ड है खाली है तो इतने अपने कुछ नहीं लिखा शो लिखा है कोई आर्गूमेंट नहीं इतने खाली है ना, इट्स मीन जो आउटपुट है मैं चाहना कदों आएगी इतने शो लिखने तो बाद है ना, ये जो मेन फंक्शन है आप इतने की करा दस देंगे भी मैं कॉल कर रहा किसी शो न शो इतने की करा जंप करेगा जंप अंदर जो भी आउटपुट है शो हो जाएगी है ना। चलो कंट्रोल एस आप कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन हो रही है आप इन कर दिया रन, देख रहे होंगे इतने एक आउटपुट आ रही है कि हैलो टूडे इज़ माई फर्स्ट डे ऑफ लर्निंग स्टूडेंट दी टीचिंग आ गया, तो यह की एक मैथड देखो तुम कॉल कर रहा है सही है। मैं चाहना भी हूँ देखो फंक्शन का कम की है बार बार ये लाइन लिखने की बजाय इस कॉल में आप करा कॉपी पेस्ट करा दो बार तीन बार चार बार है ना, चार बार आप इस कर रहे जी है जी चार बार आप इस करा आउटपुट ले रहे हैं हूँ बार बार इस कोड में लिखने की बजाय आप इस मैथड में रीयूज कर रहे हैं सैकेंड थर्ड एंड फोर्थ यानी कि चार बार हम तो सामने सीधा कर दो कंपाइल एंड रन है ना, चार बार तुम्हें जी लाइन देखने मिलेगी आ देखो आ गए ना स्क्रीन पर हैलो टूडे जो मैं फर्स्ट डे ऑफ लर्निंग इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग पहला टूडा इज फर्स्ट डे ऑफ लर्निंग इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग दूजा आ तीजी लाइन टीचिंग हैलो फिर चौथी बार है ना, तुम देख रहे हो एक दे बाद एक लाइन आ रही है, तुम चाहे लाइन टुट के आए तो इतने की करोगे एक जोड़ा अपना फंक्शन कि एंडल होंगे लाइन ब्रेक डाउन करना, तो तुम दोबारा जो कंपाइल एंड रन करोगे माई डीयर तुम की देखोगे यू विल सी यू सी द लाइन इन टू की ब्रेक डाउन देख रहे फर्स्ट दैन गो टू द नैक्सट टू थ्री फोर है ना नंबर चार तुम चार बार इस लाइन में देख रहे हो। ओके तो हूँ जो मैं कट किया एक होर लूप है ना, तुम इसनों चार बार मतलब के सौ सौ लिखने की बजाय जो आप करिए मेरा वीर आप इतने लगा दें फोर लूप लगा दें फोर लूप की लगाया फोर लूप एक इंटीजर आई है इंट लेना पैना डिकलेयर करना पैना आई टर्मीनेट आई लैस दैन इज इक्वल टू आई लैस दैन इक्वल टू कि थ्री टाइम आई बिकम इज प्लस प्लस है ना प्लस प्लस इट्स मीन की है तुहाडा जिहड़ा आई है कि तीन तो छोटा हाँ प्लस प्लस आई की है तुहाडा इज इक्वल टू असाइन करो वन है तो एक बार चलेगी दूजी बार है जो ये आई की हो जाएगा तुहाडा टू हो जाएगा कि वह तीन तो छोटा है हाँ तो दूजी बार चलेगा फिर आई तीजी बार की हो जाएगा तुहाडा तीन कि वह तीन तो छोटा है नहीं इक्वल है हाँ तो तीन टाइम तो मतलब हो ही गया आउटपुट जदों यह एंड लाइन होने तो बाद तुसी कम टू दी अगेन वैन आई बिकम्स दी फोर एंड आई चैक्स अगेन एंड अगेन आई असाइनिंग दी फोर वट आई यानी कि आई आई कंटेनिंग दी फोर फोर इज लैस दैन इक्वल टू थ्री नो लैस दैन नो इज इक्वल नॉट है ना
दैन की है तुहाडी जिहड़ी कंडीशन है की हो जाएगी वह फॉल्स हो जाएगी माई डियर, है ना। जिहड़े फॉल्स हो जाएगी इट्स मीन कि तुहाडा जिहड़ा है लूप जिहड़ा ब्रेक हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, है ना। तुहाडा जिहड़ा लूप है हुण की करेगा ये कि तीन बार चलेगा, है ना। हुण आपां इहनूं इत्थों एग्जीक्यूट करदे आ रन। आ देखो लाइन वन वन होगी, वन टाइम यह एग्जीक्यूट होएगा, तो लाइन की है ब्रेक होगी। इतने आई की हो जाएगा टू, हाँ जी टू, तो तीन तो छोटा है, प्लस प्लस तो दूजी टाइम। आई कि हो जाएगा तीन, हाँ जी तीन, छोटा है नहीं बराबर है, हाँ तो तीन बार ये ताड़ी है कि है आउटपुट आ जाएगी, तो लाइन फिर ब्रेक हो जाएगा, है ना माई डियर, ठीक है। इदा चलो अगे चलते हैं। ये सीगा कि आप कोड न की कर रहे हैं बी रीयूज कर रहे हैं, की कर रहे हैं ए यूजेबल, है ना। तो यही की है, यही तो काम किता है, यही मकसद किता है, है ना। ये जी रिस्पोंसिबिलिटी है कि है जी रिस्पोंसिबिलिटी, है ना, कि मैथड की है माई डियर, ठीक। चलो हूँ आप आने सी फाइव के तुसी देख रहे होंगे सी फोर के माई डियर उत्थे की सीगा ना तो रिटन टाइप सी तो ना ही की सी आर्गूमेंट सी। हूँ आप सी फाइव के आर्गूमेंट वाला कर रहे हैं, है ना। की कर रहे जी आर्गूमेंट वाला, आ देखो एक ही है नो रिटन टाइप, मतलब नो जो रिटन होंगे नो रिटन मतलब वॉइड प्रिंट्स की एक मैथड नेम है इंट जो नम है इंट एक वेरीएबल जो रखे नम की है एज अ पैरामीटर लिखे एज अ मैंशन अबव मतलब इतने प्रीवियस जो भी पढ़िया है एक्चुअली मैं कॉपी पेस्ट कर लिया ना गूगल तो। फंक्शन कैन बी डिक्लेयर विद पैरामीटर, पैरामीटर मीन यू कैन से एज अ पासिंग आर्गूमेंट्स, ए पैरामीटर इज ए वैल्यू दैट पासड जो कि पास कर दो, है ना, फंक्शन डिक्लेयर करके। इतने आ देखो फंक्शन डिक्लेयर किया की कर वाइड प्रिंट्स करा रहे कुछ इंट नम वैल्यू है उस नम तुम इतने आउट ले लिया, लेकिन कॉलिंग जरूरी है किस नाम तो प्रिंट नाम तो। आ देखो इतने प्रिंट तुम जो नम लिया है तुम नम में इतने एज अ इंट लिया एन, एन अंदर कि वैल्यू पास कर रहे हो सैवन, यानी कि एन सैवन यानी कि एन के कि है जो सत्त है तुम पास कर रहे हो। जदों मेन फंक्शन कॉल करोगे प्रिंट की करेगा जी कॉल करेगा जोड़ा मेरे को भी एन है एन के अंदर किन्ना सीगा सैवन, तो तुम देखेगा हाँ भी जो मैं मैथड हाँ किस नाम तो प्रिंट नाम तो, प्रिंट नाम अंदर कोई एक इंटीजर वैल्यू है वह की है नम, नम अंदर किन्ना सी सत्त रिटर्न होगी आ जाएगी, है ना। तुम इनू की करो इतने चलाओ आ छे दे विच इनू लिखा हुआ है, ठीक है। तुम की लिखा है कि मेरे को देखो अगेन दोबारा एक मैथड नेम है डिस्प्ले ए नंबर की इंट एन वन, मेरे को एक वेरीएबल है तो फलोट टू फलोट कि जी रियल नंबर, है ना, यानी कि यू कैन से जो फलोट पॉइंट वाली वैल्यू होंगे तुम्हारी मर्जी इतने एन वन फलोट लो डबल जो मर्जी लो, ठीक है ओके पर याद जो डबल है तो डबल ही यूज़ करना पड़ेगा, जितने करैक्टर था तो इतने करैक्टर ही यूज़ करना क्योंकि कॉलिंग का खेड है ना सारा, ओके। नंबर दो जो तुम कोई प्रोग्राम लिखते हो एक्चुअली मैं पहला भी क्लास रिकॉर्ड करी थी उस ना आइडिया नहीं रिकॉर्ड हो सकी इस करके मैं कुछ पहला गल्ला बात रिकॉर्ड करी हुई ने तो फालतू जो भी लिखा है मैं माफ़ी चाहता हटा देने, ठीक है। कहते भी एक मेन प्रोग्राम ना स्टार्ट हो गया, ये आई एस ट्रैम जो लिखा ना डॉट एच क्यों नहीं लिखा, आप डे प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं ना ये वाला, तो इतने डॉट एच की कोई लोड़ नहीं, ठीक है, सीधा आई एस ट्रीम लिखा। तो तुम अपना मेन मैथड जो इतने डिक्लेयर करो, जो तुम डिक्लेयर नहीं करोगे तो एज आउटपुट नहीं आएगी, मैं हटा देना गया है ना। यूजिंग नेम स्टैंडर्ड मैं ले लिया, जोड़ा मैथड है ये दो नंबर पास कर रहा है एज आ पैरामीटर, इनके आर्गूमेंट की ना एन वन है तो एक ही एक डबल एन टू है ना, तो तुम इतने इन दोनों की कराता आउटपुट कराता कराता दिता चलूगा कदों हूँ प्रीवियस की गल कर रहे आप जे आप करांगे जी कॉल करांगे डिस्प्ले नंबर वन ते नंबर टू। इत्थे देखो नंबर वन नंबर टू की ने इत्थे की इंटीजर है हाँ भी इंट है, इत्थे की डबल की है फलोट है हाँ भी फलोट है ना, तो पैसों एज ए फलोट लिख लो, ठीक, क्योंकि जी फलोट की जी कपैसिटी ज़्यादा होंगी है ना, इंट की दो होंगी जी लेटेस्ट जी विंडो जो प्रोफेसर सॉरी प्रोसैसर होंगे ने सॉरी फॉर दैट, तो वो की है चार वाइट घेरदा है ना, वैसे दो है आलमोस्ट चार है, तो फलोट किन्ना होंदा सीगा चार होंदा सी, डबल किन्ना अठ है, तो इन्हें प्रोसैसर जो अठ जाएगा किन्ना हो जाएगा वो सोलह हो जाएगा, है ना। खैर वन वाइट की होंगे हैविंग दी एट बिट्स, है ना, तो पढ़ लियो थ्यूरी है किताब भी लिखा हुआ, तो
देखो सारी गल्ल रेडी ट्राई मैं तुम्हें कुछ नवं नहीं सिखा रहा, मैं तो एक मतलब के कोशिश कर रहा कि लिखी लिखाई गल्लां मतलब के दोहरा रहा कि एवें ये जो मैथड है काम कर रहा है ना माई डियर। मेरा नाम हरमीत सिंह है, मेरा जे आर एफ है कंप्यूटर साइंस के, तो मेरा यू जी सी नेट क्लीयर है, तो मैं मतलब के तुम पढ़ा नहीं रहा, मैं एक सिख भी रहा, तो मेरी वो वो कोशिश है कि मैं यह जो लैक्चर है मैं ले भी रहा एज ए बी टैक के पढ़ा रहा बच्चों स्टूडेंट्स न, मैं भी एक विद्यार्थी हाँ पी एच डी कर रहा मैं, तो मैं चाहना कि जो चीज़ उत्थे कर रहा कि वही चीज़ मैं एज ए रिकॉर्ड भी करा है ना, तो मेरे लिए भी फायदेमंद है ता जो मैं होर ज़्यादा ये चीज़ मतलब सीखने मिलेगी, तो किसी का मतलब कि जो मेरे वर्गा है कोई नवा बंदा कोई नवा विद्यार्थी जो सीखना चाहता है वो भी ये चीज़ मतलब कि सीखने बहुत ज़्यादा लाभकारी होगी है ना जी। खैर जो डिस्प्ले नेम है कि अपना एक मैथड नेम है, इतने आ गए देखो कॉलिंग कर रहे हैं आप, नम वन की है एक ए वैल्यू है, नम डबल की है, तुम इतने नम टू इतने डिफाइन कर रहे हो है ना, यानी कि एक आर्गूमेंट पास कर रहे हो। खैर ये जो मेन मैथड तुहाडी मर्जी है जिहड़ा आपां इह कोड लिखते हैं ना, इतने तुम चाहो तो इहनूं थले भी लिख सकते हो, इतने पहला खेरा एक इहनूं ऐं प्ले करते हैं। देखो मैं इतने मेन लिखना सी ना टॉप ते लिखना हुंदा फंक्शन मैथड ने, मैं लिखा नहीं, इहनूं डिफाइन नहीं किया, हुण इतने एरर देगा आपां, कंपाइलर रन कर दिंदा मैं, तुसीं देख रहे हो खैर ये आ गया। एक कुछ जिहड़ा कंपाइलर है लेटेस्ट वो कई बार उठा भी लैंदे, तुसीं ऑनलाइन भी तुसीं देखोगे चक लैंदा है ना वो। खैर कम टू बैक, तो मैं इतने डिफाइन नहीं किया, ठीक है ए वाला एवें, यानी कि जो ए नेम है ना ए वाला डिफाइन इतने मैं नहीं किया इतने है ना एवें, ठीक ए वाला डजेंट मैटर छोड़ो मैं, तुम जो वर्ड है यू तुम हाँ जो ये लिखे ना वर्ड डिस्प्ले हाँ यू चाहो तो तुम मेन मैथड तो पहला थले भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करते, ठीक है जिमें तुम ठीक लगे। ये जो मेन मतलब फंक्शन अपना ए नम वन कोई वेरीएबल है, पांच नंबर असाइन करा गया, नम जी डबल टू है, नम टू अंदर कोई पांच मिनट पांच नंबर लै गया है ना, इस वैल्यू असाइन करा गया, ये चली गई चली गई, ठीक है। तो एक मैथड बनाया कि नाम तो मैं डिस्प्ले नम नाम तो जिद की है नम वन है, यानी कि ए वाली पांच वैल्यू इतने आ गई, यानी कि नम टू अंदर जी आ गई पांच मिनट पांच आ गई। ये कदों चलूगा जदों इतने देखो यदि डिफाइन किया ना अपने एन वन की है, इतने आप लोकल वेरीएबल ने ये एन वन यानी कि वन अंदर किन्नी वैल्यू पांच है, एन टू अंदर किन्ना है, एन टू अंदर किन्नी सी पांच पॉइंट पांच है ना, आप इन्हूं आप करा कंपाइल एंड रन कर देंगे है ना, तुम देख रहे होंगे कंट्रोल एस दबाओ देख रहे होंगे तुम्हें इतने आउटपुट देखने मिल रही है ना। हूँ ये कह रहे भी तुम लिखे ही नहीं है ना, हूँ आप इतने लिख भी दें वर्ड की सीगा डिस्प्ले डिस्प्ले ने सॉरी हाँ डिस्प्ले नंबर है जो मैथड नेम है, ठीक आप इतने दस देंगे कि मेरे को केड़ी वैल्यू भाई एक इंटीजर वैल्यू है, ओके तो लिख दो इंट इंटीजर एक्स वाई जेड जो भी मतलब कि वैल्यू यूज किया हुआ है, ठीक है वो आप इतने ले लेंगे, ठीक है माई डियर। तो अपन इतने की टॉप से लिख लिया मैथड नेम है ना इंट एन वन ताड़े कोले सीगा, ठीक है आ जिहड़ा मैथड इत्थे है ना एक डबल सीगा इत्थे डबल लिखिया, ठीक है एन टू ये चीज़ एज इट इज़ आप एग्जैक्ट इत्थे की करांगे टॉप ते देनी पैनी है। हुण आपां इहनूं की करदे आ कंपाइल एंड रन कर दिंदे आ, देखो तुसीं देख रहे होंगे इत्थे आउटपुट तुहानूं मिलेगी आ गई तुहाडे सामने आउटपुट है ना। इंटीजर की है एन वन फाइव है, फ्लोट दे विच कितना सीगा फाइव पॉइंट फाइव सी ना फ्लोट, सॉरी इत्थे डबल लिखना भुल गया, ये तुहाडा कमेंट है तुसीं जो मर्जी इत्थे पास कर सकदे डबल कोट दे विच कमेंट है ना, ओके। खैर हूँ आप गल की कर रहे थे भी जो ये जो मैथड है तो माई डियर तुम चाहो इन कट करो इतने भी ए तो बाद लिख सकते एवं आप गल कर रहे ना, तो दोवें पासों तुहाडा जो कोड है चलेगा कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है और डिपेंड करता भी तुम किवें समझना चाहते हो देखो, ठीक है ओके। जस्ट आई कम टू दी बैक, जस्ट आई मूव टू हैड सी सैवन, ये कहड़ा सीगा बई येगा तुहाडा यानी कि सीगा बॉयड यानी कि कोई रिटर्न टाइप नहीं सी बट हैविंग डिस्प्ले की सीगा डिस्प्ले फंक्शन की हैविंग दी आर्गूमेंट यानी कि इंट नाम का एक एन वन एक डबल यानी कि फ्लोट की एक वैल्यू सी एन टू है ना, हूँ आप सी सैवन में चले जाने इतने की है ये हैगा बी रिटर्न टाइप भी है तो हैविंग आर्गूमेंट भी है ना दोवें चीज़ें। इट्स पॉसीबल, वट इज़ द पॉसीबल,
इट्स पॉसिबल टू रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम फंक्शन फॉर दिस वी नीड टू स्पेसिफाई व्हाट डू स्पेसिफाई स्पेसिफाई द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन ड्यूरिंग फंक्शन डिक्लेरेशन द रिटर्न टाइप कैन बी यूज टू रिटर्न वैल्यू फ्रॉम ए फंक्शन इट्स मीन ए बी तुम जोड़न लग रहे हो ये जोड़न का काम कौन कर रहे थे रिटर्न लगा रिटर्न मतलब तुम मेन मैथड न कॉल करोगे जिथे यदि कंडीशन कितने पाई हुई है ना हेयर वी हैव द डाटा टाइप इंट इंस्टीट्यूट ऑफ वॉइड तो ती इतें की लिया है इंट लिया है कि बजाय वॉइड की जो वॉइड ले लेना तो की हो जाता है इतने आता नो रिटर्न बट यह की है रिटर्न टाइप है कि यह द डाटा टाइप इट इंट इंस्टीट्यूट ऑफ द वॉइड दिस मीन द फंक्शन रिटर्न टाइप क्योंकि इंट लिखा है इसलिए की है थोड़ा रिटर्न टाइप बन गया ओके द कोऑर्डिनेट ए प्लस बी इट्स मीन रिटर्न द सम ऑफ द टू पैरामीटर एज फंक्शन वैल्यू ओके चलो जी हम ये कोड देख रहे हैं सी एट वट यू सी हेयर यू सी ए प्रोग्राम टू एडिशन ऑफ द टू नंबर हैविंग टू नंबर इंटीजर ए एंड द सेकंड नंबर द बी ओके दो ताडे कोले की ने जी माय डियर इत्थे ए वेरिएबल ने एज आप इत्थे जो पास कर रहे हैं की कहने आप आर्गूमेंट है ना ओके तो आप इत्थे की देखते हैं यूजिंग द नेम स्पेस मतलब मेन मैथड लगाया तो आप इत्थे की है इंट मेन मैथड नूं चलाया और एक वेरिएबल ले लिया कि सम नाम तो इतने कोल हो रही है भी सम दे विच मैं ऐड करना चाहना कि इनू 178 ओके तुसी की दो वैल्यू थे साइन कर कि 178 दोनों की ने इंटीजर ने तुसी ते लिखिया कि सम नू कोल करती सम अंदर कास्टिंग हो रही है ना कि हो रही है ऐड तुसी मतलब कोई इतने मैथड बनाया है किस नाम तो ऐड तो थले जाके देखो डिफाइन कराया देखो आ रहा तुसी इंटीजर इंट मतलब रिटर्न टाइप है तुहाडे कोले की है जी एक इत्थे ए वेरीएबल ते बी जो तो आर्गूमेंट तुसी डिक्लेयर किए हुए ने पास किए हुए ने तो ए प्लस बी की है रिटर्न हो गया मतलब ऐड की है कोल हो गया ए कोल कि हो रही इत्थे एडिशन दी है ना चले गए तुसी ऐड कोले गया ये की देखा भी मेरे कोले ए है ए हैविंग दी 100 एंड बी बी हैविंग 78 बिकम्स वट बिकम्स दी एडिशन ऑफ दी टू बट गुड बी वैन यू मेक द एडिशन ऑफ बिकम दी 178 इन करो रन एंड कंपाइल है ना तो देखना इतने एडिशन देखना दोनों का की 100 से 78 बिकम्स दी 178 है ना दोनों का जोड़ इतने आ जाएगा माई डियर ओके क्लोज उ चीज़ तुम्हें फिर तुम इतों कट कर लो इनू एज टॉप से चले जाओ इतने डिफाइन कर दो पर आपां नूं पता होना चाहिए भी मैं कोई एक फंक्शन की किया इत्थे डिक्लेयर किया मेरे को दो मतलब कि आर्गूमेंट ने ए ते बी ने दोनों नूं रिटर्न करता की करता ए प्लस बी है ना तो तुसी इत्थे देख रहे हो तुसी इत्थे एक वेरिएबल लिया सम अंदर तुसी कोल जिहड़ी कराई है मैथड नूं कहिंदे एडिशन नाम तो आ इत्थे प्लस कर गया उहदे विच किहड़े किहड़े वैल्यू है 178 है ना दोनों नूं तुसी इत्थे प्लस कर लिया सम तुहाडा की हो गया इह कंपाइल हो गया देखो ठीक है तो इतने एडिशन देख सकते ओके आई कम टू द बैक ठीक है माई डियर यह सी तुहाडा किहड़ा सी मतलब ये रिटर्न टाइप सीगा ते तुहाडा की सीगा ये विद आर्गूमेंट सीगा ठीक है हो जाएगा तो माई डियर तुहानू वध तों वध मेरी बेनती है मेरी अरदास है तुहाडे अगे कि तुसी इस प्रोग्राम नू इस वीडियो नू वध तों वध शेयर करो ता जो मैं अपना एक्सपीरियंस तुहाडे नाल शेयर कर सकां ते मैं भी सीख सकता तुहानू कोई कमी पेशी आउंदी तुहानू कोई लगता कोई डाउट्स है तुसी मेरे नाल शेयर कर सकते हो कमेंट पास कर सकते हो तो जिन्ना भी हो सके आपां वध तों वध मतलब कि नया सीखने की कोशिश करांगे धन्यवाद सारिआं दा जी।